देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार देशवासियों, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। दर्शकों, ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है और ये बाबा के राज में आखिर क्या चल रहा है? दोपहर तक कोई टॉपिक सोचते हैं और शाम तक कुछ और। सीधे लिए चलूंगा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर और सीधे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ओएसी पर हमले की, एंबियंस बढ़ा दी। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये शजासी टोल प्लाजा का वो वीडियो है जिसको लेकर ओवैसी साहब ने आज ट्वीट किया था। ओवैसी साहब के ट्वीट को आधार बनाकर तमाम समाचार चैनलों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो भारत के नेशनल मीडिया हो, सभी ने उस ट्वीट को आधार बनाकर खबर दिखाया है। लेकिन हम आपको उस वीडियो को दिखा रहे हैं जिस वीडियो में यह साफ हो जाता है कि कैसे हमलावर कार पर फायरिंग कर रहे हैं, लाल सफेद जैकेट में ये दो हमलावर। ये देखिए लाल वाली जैकेट में, इसके हाथ में बकायदा हथियार भी है, ये फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसी घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया था जिसको तमाम मीडिया चैनलों ने, सरकारी प्राइवेट तमाम मीडिया चैनलों ने, उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाले और दिल्ली से संचालित होने वाले मीडिया चैनलों ने इसको आधार बनाकर, उस ट्वीट को आधार बनाकर दिखाया। लेकिन हम आपको सबसे पहले और सबसे सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये ओवैसी साहब पर हमले का वीडियो है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल जैकेट में और सफेद शर्ट में ये दो हमलावर जो कि हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में आपको यह वीडियो हर समाचार चैनल पर तैरता हुआ दिख जाएगा, हर समाचार चैनल पर। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो ओवैसी साहब पर हमले की। इसको लेकर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। और यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख लीजिए और तुरंत डायरेक्टर साहब, पुलिस क्या कुछ कह रही है, उस वीडियो को चलवाइएगा। मार्केट यहाँ से जा रहा था, उस पे दो व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टि कर एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है, तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए पांच टीम लगी हुई है पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था मारने का, मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। क्या लाइट के अभी वो डिटेल पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। तो बाबा के राज में मियां साहब पर गोली कौन चलवा रहा है, इसको लेकर बड़ी साजिश हो सकती है, जिसको लेकर ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया। उन्होंने क्लियर कट साफ कहा है कि मैं भाई शिकायत करूंगा, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा और पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि ठीक है, हम इस पर निष्पक्ष जांच करें। तो यह शाम की घटना है। एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सुरक्षा ही सुरक्षा है, और दूसरी तरफ ये वीडियो
आया है, शाम का है ये वीडियो, लेकिन हम जिस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, उस मुद्दे को पकड़ के रख लिया है, क्योंकि उस मुद्दे में एक पूरा परिवार बेसहारा है, लाचार है और मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई मदद के लिए सामने, कोई मदद के लिए सामने। पिछली बार हाथरस में दर्शकों जब एक बेटी के साथ एक जघन्य अपराध हुआ था, तब पूरा इकोसिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, एक एक राजनेता, राजनेता नंबर वन से लेकर राजनेता नंबर टू तक, जो रनर अप थे, सत्ता में नहीं थे बल्कि विपक्ष में थे और नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव की पोजीशन ग्रहण किए हुए थे, सब भागे भागे चल रहे थे, सब भागे भागे चल रहे थे। कोई खेतों को कूद रहा था, कोई मेड़ों को कूद रहा था, कोई दीवारों को कूद रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, सब तेजी में थे, क्योंकि बेटी दलित थी और इधर साइड जो बिरादरी थी वो ठाकुर थी, तो बहुत इजी टू अटैक था कि इसको लेकर सीएम पर अटैक कर सके। ऐसा ही एक और कांड है जो बुलंदशहर कांड है और उसको लेकर सन्नाटा है, और क्यों सन्नाटा है? सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ज्यादा बड़ा वाइड गैप एंगल नहीं है। जो हिंदू जातियों में जो वाइड गैप एंगल होता है, वो अगर बहुत वाइड गैप एंगल दिख जाता है तब चोट करना आसान होता है, तब हिंदू जातियों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। बुलंदशहर की घटना में सिर्फ बाइट चल रही है, ट्वीट चल रहा है कि ठीक है, बड़ा गलत हुआ है, हम सब साथ हो गया है, हम सब साथ, इंसाफ दे दीजिए बस। और उसी बुलंदशहर में जहां पर एक बेटी को पुलिस ने, ऐसा आरोप है कि डरा धमका कर उस बेटी के शव को रात में चलाया, जिस पर एक व्यक्ति ने जिसको गोली से मार दिया, और जिसके साथ ऐसा परिवार का आरोप है कि उसके साथ जघन्य अपराध, उसका गैंगरेप किया गया, ऐसा परिवार का कहना है, और उस बेटी की लाश को रातों रात जलवा दिया गया, वो बुलंदशहर की घटना। और आज बुलंदशहर में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक थे हमारे गृहमंत्री साहब प्रियंका गांधी जी, लड़कियों को खूब लड़ा रही है, खूब स्ट्रांग बना रही है, और दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक प्रियंका गांधी जी बुलंदशहर में थे। अखिलेश यादव साहब 12 बजे के बाद बुलंदशहर में थे। जयंत चौधरी साहब पिछली दफा हाथरस जा रहे थे, खूब लाठियां खा रहे थे, वो भी आज बुलंदशहर में ही थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उस बेटी के घर नहीं गया, क्योंकि यहां पर वोट ज्यादा नहीं मिल रहा था, फायदा ज्यादा नहीं हो रहा था, और हो क्या रहा था, डांस हो रहा था। यह दिखाइएगा जरा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी का डांसिंग, बहुत रिफ्रेशिंग वीडियो, यह बुलंदशहर का है। राजनेता किस तरीके से एक दूसरे की तरफ हाथ से हाथ दिखा रहे हैं और खुश, सभी खुश हैं, गाना बज रहा है, टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पीछे डीजे साउंड बज रहा है। और यही प्रियंका गांधी जी भूल गई कि इसी जगह पर, जिस धरती पर ये इस वक्त हैं, वहां पर एक बेटी के साथ अपराध हुआ है। ये भूल गए जयंत चौधरी साहब, पिछली दफा लाठियां खा रहे थे, वीडियो अपनी वायरल करवा रहे थे, आज देखिए कैसे खुशी से हाथ फैला रहे हैं, चुनाव में बिजी जो है। गृहमंत्री अमित शाह साहब भी आज थे, उनका भी दिखाइएगा वीडियो। तो गृहमंत्री अमित शाह साहब थे जिनको हम आपको दिखा रहे थे, ये भी आज बुलंदशहर में थे, हालांकि ये पीड़िता के परिवार के घर पर नहीं पहुंचे। लेकिन दर्शकों, उससे पहले आपको एक बहुत सुपर सुपर अपडेट बता देता हूं। सुपर अपडेट ये है कि जो गोली चला रहे थे शाम को, गोली चला रहे थे, दूसरा भी धर गया, दूसरा भी पकड़ गया। ये सुपर ब्रेकिंग आपको मैं बता रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है,
और सबसे पहले जानकारी 1-to-1 मुहैया करा रहे हैं आपको कि जो दूसरा वाला हमलावर था, जो बताया जा रहा था कि भाग गया था, सरपट सरपट जो दौड़ गया था वो भी धर गया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम है शुभम, नाम है शुभम, गोली चलाया था और अब यह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दर्शकों, जिस मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं वो मुद्दा है बुलंदशहर की घटना, जो बहुत तेजी के साथ आकार ले रही है। ये सिर्फ अब डिबाई गांव तक सीमित नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गांव तक सीमित नहीं रह गई है, अब ये आकार ले रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ये घटना धीरे धीरे। और इस घटना को अब रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर तख्ती गैंग साइलेंट क्यों है, इसको लेकर ये तमाम विपक्ष के रनर अप्स साइलेंट क्यों हैं, इसको लेकर सरकार के नेता लोग साइलेंट क्यों हैं, इसको लेकर प्रशासन बार बार इसको छिपाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है, इसको लेकर राइटर शांत क्यों हैं, इसको लेकर ये लिबरल मीडिया, सो कॉल्ड लिबरल मीडिया साइलेंट क्यों है, इसको लेकर ये सेक्युलर वाले ये साइलेंट क्यों है, इसको लेकर ये बॉलीवुड का लॉबी गैंग ये साइलेंट क्यों है, इसको लेकर तमाम वो लोग जो बहुत जल्दी हल्ला बुल्लू करते हैं ये साइलेंट क्यों है, इसको लेकर देश साइलेंट क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को समझाने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई गई है, एक छोटा सा पैकेज है, इस रिपोर्ट को आप जरा ध्यान से देखिए। सुरक्षा के नाम पर चुनावी मौसम में ताप पैदा करते नारों का नरकंकाल मिला है। 2 साल पहले हाथरस कांड को बताती खबरों से पटे अखबार अभी तक कबाड़ में भी नहीं बिके थे कि एक और बड़ी घटना ने जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेने के बाद इस घटना को मारने की साजिशें जोरों पर हैं। हाथरस की वो काली रात आज एक बार फिर उजाले में नजर आने लगी है। हाथरस लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में एक बार फिर उस शर्मिंदगी ने जन्म लिया है, जहां एक बेटी के साथ दिन के उजाले में दरिंदगी करने का आरोप लगा है, जहां दिन के उजाले में उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए दिन का उजाला उसे नसीब नहीं होता। अंतिम संस्कार में परिवार से ज्यादा पुलिस की भूमिका नजर आती है, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस बचाव करती ज्यादा नजर आ रही है। बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां आरोप है कि खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को धमका कर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने की कथित रूप से मजबूर किया है। जब हम सारे लोग निकले वहां से पिंक को लेके डिबाई पेट्रोल पंप पर पहुंचे, तो वहां हमने सोचा कि रात हो गई, अब सुबह पिंकी की लाश को लगाएंगे, लेकिन वहाँ रोकते ही गाड़ी, वहाँ एक गाड़ी पुलिस की आई, तो उन्होंने हमसे बोला कि इसको अभी जलाना है, और दो जवाब बनाते रहे, तरह तरह की बात बनाते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी और बुला लिया, ये पता नहीं डिवाई थाने की थी या छतारी थाने की थी सर, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे बहुत दूरी तक गए हुए हैं, वहाँ से वापस हो गए। फिर हमें मजबूरन रात को 12 बजे उसको जला दिया गया, और हमसे बोलते रहे बार बार वो कि तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारी सब कंप्लेंट लिखी गई हैं, सब पूरा न्याय मिलेगा तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हमें टाइम भी दे देते हैं, लेकिन बार बार परेशान करते हैं, चूतिया बनाते बनाते हमें आज। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गाँव डिबाई कालिपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई, लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। किशोरी के परिजनों के मुताबिक डिबाई गालेपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वह 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरव गाँव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी, अंदर भांजी का खून फर्श पर था। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठा कर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा उनके परिवार का कहना है। अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का परिवार के पास फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव को रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। परिवार का ये कहना है। इसके बाद परिवार बुलंदशहर अस्पताल पहुंचा। परिवार ने लड़की के साथ बुरा काम होने का अंदेशा जताया, लेकिन पुलिस इससे इनकार करती रही। परिवार ने FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर परिवार को चुप करा दिया। परिवार का कहना है कि हमें रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया। शव को लेकर हम डिवाई पहुंचे ही थे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध जताया। परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था, इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गड़गड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान व कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। परिजनों व ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने अब तक मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लेड से खुद के गले व हाथ की नसें काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई तो रेप की धारा जोड़ दी जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालीपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय दो लड़के साथ में थे, एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा जो धाराऊ गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहाँ मौजूद थी।
गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों की तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई FIR में केवल एक अभियुक्त नामित था, बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया जो मोटरसाइकिल के साथ आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जा रही। मृतका के पिता ने बताया है कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज यह है कि पिछले 11 दिनों से हमारे घर में कोई झांकने तक नहीं आया है, ऐसा परिवार का कहना है। पूरे मामले में पुलिस ने 4 नामजद किए हैं, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग हैं। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बचती नजर आ रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रही है कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कॉल डिटेल का दावा भी किया जा रहा है, जबकि पड़ताल में सामने आया है कि गले पर चोट के निशान बहुत गहरे नहीं है, ऐसे जैसे बहुत संभल कर सबूत के हिसाब से ही जख्म किए गए हों। आरोपी के हाथ पर कट के निशान है। आरोपी को 21 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, यहां से 27 को बुलंदशहर जिला जेल भेजा गया। अभी आरोपी को वहां अस्पताल में रखा गया है। प्रभारी डॉक्टर के सिंह के अनुसार हाथ में नस कटी हुई है, गले में हल्का सा घाव है, लेकिन कोई भी जख्म गंभीर नहीं है। अब सवाल उठता है कि रामराज का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कब तक आकार लेती रहेंगी और कब तक यूं ही बेटियों के शवों को रात के अंधकार में जलाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो बुलंदशहर की स्टोरी पर शायद नेता बात करने से बच रहे हूं, इसके आसपास से निकल रहे हूं, इसके एटमोस्फेयर सराउंडिंग से निकल रहे हूं, लेकिन लव्स खोलने से शायद डर रहे हो। लेकिन भारत एट नाइन में ऐसा हम होने नहीं देंगे। भारत एट नाइन में रोज रात को इस खबर को उठाएंगे, रोज रात को इस खबर को लेकर बात करेंगे, जब तक कि बुलंदशहर की उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। तब तक ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।